देखिए द मैजिक पेंट ब्रश के जो क्वेश्चन आंसर हैं वे रहे आपकी स्क्रीन पर। लेट अस बी वर्ड्स, ये जो क्वेश्चन होता है शब्दों को स्ट्रोंग करने के लिए होता है ताकि बच्चों की जो है वर्ड्स पे और ज़्यादा मजबूती एक पकड़ बन सके, अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स की उसको नॉलेज हो सके। द टिक राइट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशंस गिवन इन द लेसन, जो भी एक्सप्रेशंस आपके लेसन में दी गई हैं उनके मीनिंग यहाँ पे दिए गए हैं, अपने उनका राइट मीनिंग ढूंढना है। मतलब मेक ए लिविंग, इसका क्या मीनिंग होना चाहिए, मतलब टू लिव लॉन्ग, तो ये टू अर्न मनी टू लिव, जीवित रहने के लिए धन अर्जित करना, ये इसका मीनिंग है। मेक ए लिविंग मीन धन अर्जित करना जीवित बने रहने के लिए, तो इस पर राइट टिक करेंगे। लॉन्ग एंड बीहोल्ड, इसका मीनिंग है अमेजिंगली, हैरानी पूर्वक, लो एंड बीहोल्ड का मीनिंग। तो आगे देखिए बिगेन टू ट्रेवल, ट्रेवल शुरू किया तो बिगेन टू स्प्रेड, मतलब फैलाना शुरू कर दिया, तो उसने फैलाना शुरू कर दिया था। आगे देखिए फ्यूमिंग मैट, फ्यूमिंग मैट का जो मीनिंग है वो आपका ये है फर्स्ट वाला, टू बी वेरी एंग्री, ज़्यादा गुस्से में हो जाना, फ्यूमिंग मैट में गुस्से से पागल हो जाना, ज़्यादा एंग्री जो हो जाता है, तो टू बी वेरी एंग्री, तो ये आपका ए वाला ऑप्शन आपका राइट है। आइज लिट अप, तो आइज बिगेन टू शाइन, ये जो है खुशी से आंखें चमक उठना, इसका मीनिंग है। आइज लिट अप, आंखें चमक उठी खुशी के कारण, तो इसका मीनिंग जो है फर्स्ट है। लेट अस स्पेल वेल, आओ अच्छे से स्पेल करें द लॉन्ग यू साउंड, यू ई यू ई एंड ई डब्ल्यू, रीड दीज वर्ड्स बिलो दैट हैव ए लॉन्ग यू साउंड, प्योर ट्रू ह्यू ड्र्यू ब्र्यू, तो कंप्लीट द वर्ड्स, इन वर्ड्स को अपने कंप्लीट करना है। द डॉक्टर्स हैव फाउंड ए क्योर फॉर कैंसर, क्योर होता है इलाज। व्हाट ए क्यूट बेबी, क्यूट, तो जो ये ड्रेस दे रखे थे उसमें हमने पेन से भर दिया, यू और ई इसमें भरेंगे ऐसे, इस प्रकार से यू ई इसमें भरेंगे। भारत इज माय नेफ्यू, ई डब्ल्यू भरेंगे इसमें नेफ्यू। द स्टैच्यू यू ई, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इज इन अमेरिका। द टीचर विल इश्यू आवर स्कूल डायरीज टुडे, ये देखिएगा, अंडरस्टैंड द लेसन, राइट टिक करना है करेक्ट आंसर पे। व्हाई वॉज लियांग्स लाइफ डिफिकल्ट, लियांग का जो है जीवन डिफिकल्ट क्यों था, ही वॉज ए पुअर ऑर्फेन, क्योंकि एक तो वो अनाथ था, माँ बाप नहीं थे, दूसरा वह गरीब था, इसलिए उसका जो लाइफ था बहुत डिफिकल्ट था। व्हाट वॉज लियांग्स ड्रीम, लियांग का सौपन क्या था, तो ये ही वॉन्टेड टू बी एन आर्टिस्ट, वह एक आर्टिस्ट बनना चाहता था, तो ये इसका सपना था। विच सेंटेंस फ्रॉम द लेसन शोज दैट लियांग वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ ड्रॉइंग, लियांग जो था वो ड्रॉइंग का बहुत ही शौकीन था, कौन सी लाइन आपको शो करती है लेसन से, तो ये लाइन है, ही वुड ड्रॉ व्हेन एवर बी कुड, जब भी हो सकता वह ड्रॉइंग करने लग जाता, मीन्स जब भी उसको वक्त मिलता वह ड्रॉइंग करना शुरू कर देता। द मॉर्निंग, जब सुबह मॉर्निंग में उठा तो वह हैरान क्यों था, ही फाउंड ए ब्रैंड न्यू पेंट ब्रश ऑन हिज बेड, क्योंकि उसको अपने बेड पे एक ब्रैंड न्यू पेंट ब्रश मिली, और जो सपने में उसने देखा था कि बूढ़ा आदमी उसको पेंट ब्रश दे के गया था कि कोई भी आप पेंटिंग करेंगे तो जीवंत हो उठेगी, तो उस ब्रश को देख करके वह बहुत हैरान हुआ था। व्हाट वाज स्पेशल अबाउट लियांग्स न्यू पेंट ब्रश, लियांग की जो नई पेंट ब्रश थी उसमें क्या स्पेशल था। व्हाट एवर ही ड्र्यू विद इट बिकेम रियल, जो भी उसने इस पेंट ब्रश से बनाया वो जीवंत होटेगी, वो मतलब वास्तविक लगी, जैसे असली है, वो असली जैसी हो गई, असली बन जाती थी वो, इसलिए अभी जैसे क्वेश्चन नंबर 1 2 4 एंड 5 के मैंने आंसर अलग से लिखे हुए हैं, टाइप किए हुए हैं,
तो उनको मैं अलग से समझा दूंगा, तो थ्री देख लीजिए बीच में, टेक राइट द करेक्ट आंसर्स। दे बिगेन टू फ्लोरिस मीन्स, दे बिगेन टू फ्लोरिस, इसका मीनिंग क्या है? दे बिकेम रिच, वे अमीर हो गए। दे बिकेम सक्सेसफुल, वे सफल हो गए। तो ये जो मीनिंग है दे बिगेन टू फ्लोरिस, इसके ये दो मीनिंग रहेंगे, दे बिकेम रिच एंड दे बिकेम सक्सेसफुल। आगे देखिए, आपने अभी राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। एफ आपने कोई भी फॉल्स लगता है तो उस पर एफ लिखेंगे, और जो आपको लगता है ट्रू है तो उसके लिए टी लिखेंगे। द ड्रॉइंग्स केम टू लाइफ व्हेन लियांग ड्रू देम, जब भी लियांग ने उन पर पेंटिंग पे ड्रॉइंग की तो वो जीवंत होगी, लाइफ आ गई उनमें, तो ट्रू है ये। द ड्रॉइंग्स केम टू लाइफ व्हेन द रिच मैन ड्रू देम, अमीर आदमी ने जब ड्रॉइंग की तो वे जीवंत नहीं हुई, उनमें लाइफ नहीं आई, ये गलत लिख दिया इन्होंने। क्या लिखेंगे? एफ फॉल्स। लियांग वॉन्टेड टू हेल्प द रिच मैन, लियांग जो है अमीर आदमी की मदद करना चाहता था, नहीं वह गरीबों की मदद करना चाहता था, इन्होंने ये सेंटेंस गलत लिख दिया, तो हम लिखेंगे एफ फॉल्स। लियांग वॉन्टेड टू हेल्प द पीपल ऑफ हिज विलेज, लियांग अपने गांव के लोगों की मदद करना चाहता था, बिल्कुल ठीक बात है, करना चाहता था, तो ट्रू लिखेंगे। लियांग ड्रू व्हाट द रिच मैन टोल्ड हिम टू, लियांग ने वही ड्राइंग की जो रिच मैन ने उसको कहा, फॉल्स से ये ऐसा नहीं है, रिच मैन ने उसको कुछ और कहा था, उसने पेंटिंग उसके मारने के लिए कुछ और ही बना दी थी। लेट अस थिंक एंड आंसर, ये आप खुद ही करेंगे। अब ग्रामर को अंडरस्टैंड करते, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज। देखिए आपने डिग्रीज में पहले भी आपको करा चुका हूँ, तो कंपैरेटिव डिग्री जो है कहीं भी दो के बीच में जब कंपैरिजन किया जाता है तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ किया जाता है, और जहाँ कंपैरिजन दो से ज़्यादा के बीच में होता है मीन सुपरलेटिव बताया जाता है, तो द के बाद में सुपरलेटिव डिग्री का यूज होता है। ये सुपरलेटिव डिग्री है और ये कंपैरेटिव डिग्री, और ये आपकी पॉजिटिव डिग्री है। तो हाई हायर हाईएस्ट, डीप डीपर डीपेस्ट, ब्यूटीफुल मोर ब्यूटीफुल मोस्ट ब्यूटीफुल। अधिकतर क्या होता है, जैसे ये ब्यूटीफुल सिक्स लेटर से ज़्यादा है, तो कोई भी डिग्री जो सिक्स या सिक्स लेटर से ज़्यादा से बनती है तो उसमें मोर और मोस्ट लगा के हम, जैसे मोर और मोस्ट लगा के सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री बना देते हैं। वी एड ई आर टू कंपेयर टू थिंग्स, जब हम टू थिंग्स को कंपेयर करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं और ई आर वाली डिग्री यूज करते हैं। वी यूज देन विद ई आर, ई आर मीन्स कंपैरेटिव डिग्री के साथ में हम देन का यूज करते हैं, टी एच ए एन। वी यूज मोर विद बिग एडजेक्टिव, बड़ी एडजेक्टिव जैसे ब्यूटीफुल सिक्स लेटर से ज़्यादा है, तो यही इसमें बताया है, बिग एडजेक्टिव जो होती हैं उसमें हम मोर लगा के कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं। एन ओशन इज डीपर देन ए रिवर, देन आया है तो कंपैरेटिव डिग्री आएगी, डीपर आया। विच पेंटिंग इज मोर ब्यूटीफुल, वी एड ईएसटी टू कंपेयर थ्री और मोर थिंग्स, जब हम तीन या तीन से ज़्यादा चीज़ों के बारे में कंपेयर करते हैं तो हम ईएसटी में सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। जैसे वी यूज द, फिर आर्टिकल द का यूज करते हैं उसके आगे, और मोस्ट लगाएंगे बिग एडजेक्टिव के साथ। माउंट एवरेस्ट इज द, देखिए द आएगा, कंपेरेटिव में देन आता है, देन से पहले हम कंपेरेटिव डिग्री भरते हैं, और सुपरलेटिव में सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आता है। द हाइएस्ट माउंटेन पीक, हु इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन इन द वर्ल्ड, राइट द कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर द फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव, जैसे हैप्पी हैप्पियर हैप्पीएस्ट, वाइज वाइजर वाइजेस्ट, डिफिकल्ट मोर डिफिकल्ट मोस्ट डिफिकल्ट, क्योंकि सिक्स लेटर से ज़्यादा हैं, स्ट्रॉन्ग स्ट्रोंगर स्ट्रोंगेस्ट, चार्मिंग मोर चार्मिंग मोस्ट चार्मिंग। फिल इन द ब्लैंक्स विद द कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, ब्रैकेट में जो दे रखी है इनके आपने, देखिए देन है तो कंपैरेटिव भरेंगे होट का होटर हो जाएगा, और दा दिया हुआ तो मतलब गोल्ड इज द मोस्ट प्रीसियस ऑफ ऑल मेटल्स, ऑल मेटल्स दिया है, इसका मतलब जो तुलना है वो ज़्यादा में है, तो दा लगा के सुपरलेटिव डिग्री भरेंगे। तुलना दो के बीच में होती है
और तो हम कंपेरेटिव डिग्री पढ़ते हैं. जैन इज प्रेटियर देन आया, THAN देन आया तो क्या भरेंगे, कंपेरेटिव डिग्री, प्रेटियर देन हर सिस्टर. माई सिस्टर इज 4 years ओल्डर देन मी, मेरे से मेरी बहन जो है वो 6 साल बड़ी है. ओल्ड का ओल्डर हो जाएगी, देन लगा देंगे. हु इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन योर क्लास, आपकी क्लास में सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट कौन सा है, तो द लगाएंगे, द मोस्ट इंटेलिजेंट. विच इज द ड्राइएस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे क्या करेंगे लास्ट में, ड्राइएस्ट करेंगे तो सुपरलेटिव डिग्री है तो द लगाएंगे. आगे देखिए, योर टीचर विल रीड आउट द डेफिनेशंस ऑफ सम प्लेसेस, नंबर द वर्ड फॉर ईच डेफिनेशन इन द करेक्ट ऑर्डर. तो सबसे पहले सी आना चाहिए, फिर विलेज आना चाहिए, फिर ओशन आना चाहिए, फिर सिटी और फिर कंट्री साइट. तो इस प्रकार से आप इनको करेंगे, ये सीरीज मैंने लगा दी है. तो लेट अस स्पीक वेल फॉर पेयर्स, टेल टीच अदर अबाउट योर ड्रीम दैट हैज कम ट्रू, ये आप खुद करेंगे. सिंपल सिंपल सी बातें बच्चों के लिए, खुद के लिए हैं. आगे देखिए, हैव यू एवर वॉन्टेड समथिंग दैट अनदर चाइल्ड हैज, वट डिड यू डू, हैव यू एवर वॉन्टेड, क्या आपने कभी चाहा कोई चीज़ दैट अनदर चाइल्ड हैज, जो दूसरे बच्चे के पास है, क्या आपने उस चीज़ को चाहा कभी. वट डिड यू डू, यदि चाहा तो क्या किया आपने, तो उस पर राइट टिक करना है. ये 5 पॉइंट दे रखे हैं. तो क्या किया, आस्क द चाइल्ड टू गिव इट टू यू, बच्चे से आप पूछें कि आप उसे दे दें, यानी आपको छीनना नहीं है, आपने उससे पूछना है. तो नेक्स्ट देखिए, आस्क योर पेरेंट्स टू गेट इट फॉर यू, अपने पेरेंट्स से पूछें कि वो आपको दिला दे ये चीज़. तो ये ठीक है, बाकी जो ये हैं इनको हम नहीं करेंगे, जैसे फाइट नहीं करेंगे लेने के लिए. पिक इट अप क्वाइट एंड कीप इट, अपने मतलब चुपचाप उसको ले लेंगे, ये भी गलत है, ये नहीं राइट टिक करेंगे. डू समथिंग सच दैट इट इज़ गिवन टू यू, कुछ ऐसा करें कि वह उसे आपको दे दें, ये भी ठीक नहीं है. आप उससे रिक्वेस्ट करेंगे, अपने पेरेंट्स को कहेंगे दिलाने के लिए. आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन थे, रिटन क्वेश्चन आंसर, व्हाट डिड लियांग ड्रीम ऑफ वन नाइट, एक रात लियांग को क्या सपना नजर दिखाई दिया. वन नाइट लियांग ड्रीम दैट एन ओल्ड मैन हैड गिवन हिम ए मैजिक पेंट ब्रश एंड आस्क्ड हिम टू हेल्प पीपल, एक रात उसको सपना दिखाई दिया कि एक बूढ़े आदमी ने उसको एक मैजिक पेंट ब्रश दिया है गरीब लोगों की, ज़रूरतमंद लोगों की मदद के लिए. अगला क्वेश्चन देखिए, सून ही बिकेम वेरी गुड एट इट, शीघ्र ही वह इसमें बहुत अच्छा हो गया. व्हाट डिड ही बिकम वेरी गुड एट, वह किसमें अच्छा हो गया. तो ही बिकेम वेरी गुड एट ड्रॉइंग, वह ड्रॉइंग में अच्छा हो गया, लियांग के बारे में पूछा गया. क्वेश्चन नंबर 3 मैंने करा दिया था, देखिए 4, लियांग न्यू दैट, लियांग जानता था कि द रिच मैन वॉज नॉट ए गुड मैन, कि अमीर आदमी अच्छा आदमी नहीं था. ही सर्टेनली डिड नॉट वॉन्ट टू हेल्प हिम, इसलिए उसने निश्चय किया उसकी मदद नहीं करने का. वाई डिड ही ड्रॉ फॉर हिम, उसने उसके लिए क्या बनाया. तो देखिए, लियांग ड्रू फॉर हिम टू बिकम फ्री एंड टू गेट रिड ऑफ द रिच मैन, लियांग ड्रू फॉर हिम टू बिकम फ्री, लियांग ने मुक्त होने के लिए, उससे छुटकारा पाने के लिए एक ड्रॉइंग बनाई. एंड टू गेट रिड ऑफ द रिच मैन, और अमीर आदमी से मुक्त हो गया. अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड ही गेट रिड ऑफ द रिच मैन, वह अमीर आदमी से किस प्रकार से मुक्त हुआ. लियांग ड्रू द सी एंड ए माउंटेन, लियांग ने एक समुंदर बनाया और एक माउंटेन बना दिया ऑफ गोल्ड, गोल्ड का. फार फ्रॉम इट, इससे बहुत दूर. ही नेक्स्ट ड्रू ए ड्रैगन बोट, फिर उसने एक ड्रैगन बोट बनाई. द रिच मैन जंप्ड इनटू इट बोट, अमीर आदमी अपनी उसमें जो बोट थी उसमें जंप किया, उसमें उछल कर बैठ गया. बट व्हेन रीच्ड द मिडल ऑफ द सी, लेकिन जब सागर के बीच में पहुंचा, लियांग ड्रू ए ह्यूज वेव, तो लियांग ने वहाँ पे एक बड़ी सी लहर बना दी. द वेव एट वंस केम, लहर एकदम से आई टू लाइफ, और जीवंत होटी लहर जो पेंटिंग में बनाई थी वो.
एंड डिस्ट्रॉयड द बोट एंड द मैन इन इट, और जो बोट थी और उसके अंदर जो आदमी था उसको तबाह कर दिया। तो ये थे आपके क्वेश्चन आंसर। थैंक यू वेरी मच।